तो दोस्तों ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि हाल ही में कंपनी का जो आईपीओ है वो आपको आता हुआ देखने को मिला था और अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी कंपनी के आईपीओ को आपको मिला हुआ था। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में 302 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 238 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 377 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखना। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 55% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देख ली। वहाँ पर भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 24% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 280 करोड़ के आसपास, पिछले साल 267 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 313 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे बहुत हद तक इस क्वार्टर में कंपनी कंट्रोल किए हुए हैं। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 112 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 100 करोड़ के आसपास का नुकसान भी आपको देखने को मिला। तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी की जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 16 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 25 करोड़ का घाटा था, अभी देखें तो कंपनी मुनाफे में आती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी 25 करोड़ के घाटे के मुकाबले 48 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी 16 करोड़ के मुकाबले 48 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 3 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको क्वार्टर क्वार्टर होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 93 पैसे का ईपीएस, पिछले साल 1.70 रुपये का माइनस का, जबकि अभी देखें तो 2.45 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर देखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं, क्योंकि साल दर साल कंपनी मुनाफे से घाटे से मुनाफे में आती है आपको देखने को मिल रही है, और कंपनी का रेवेन्यू भी देखें तो आपको साल दर साल 50-55% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पर आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।